बात, तो अब यह मेरे फेवरेट गम हबा बबा का समय है। टीना, देखो और जलो, मेरे पास भी एक हबा बबा है लेकिन तुमसे बहुत बड़ा है। ओ हाँ, मैं इस गम को बहुत देर तक खाऊंगी। क्या यह बड़ा है? मैरी, तुमने वास्तव में कोई बड़ा गम नहीं देखा है। मैं अब तुम्हें सब दिखाऊंगी। उसे पकड़ो, वो यहाँ सब कुछ कुचल देगा। बचाओ, मुझे बचाओ, जल्दी कोने में भागो। ओह, ऐसा लग रहा है कि मेरा गम बहुत ही ज्यादा बड़ा था। देखो, उसने दीवार में एक छेद कर दिया। यह सिर्फ एक छेद नहीं है, यह पूरा पोर्टल है। अंदर क्या है ये देखने के लिए मुझे जल्दी जाने दो। ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ दिलचस्प है। वाह दोस्तों, मल्टी रूट चैलेंज में आपका स्वागत है। मेरे पास इतना छोटा चिकन क्यों है? मुझे सच में केएफसी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक बड़ी बाल्टी मिली है। क्या यह बहुत बड़ा है? मेरे पास जो बाल्टी है उसे देखो, इसे कहते हैं बड़ा हिस्सा। क्या मैं इसे पहले खा सकती हूँ? क्यों नहीं, हुर्रे, मुझे बस बहुत भूख लग रही है। लड़कियों, क्या तुम एक लाइफ हैक जानती हो कि कैसे चिकन को हड्डी से अलग किया जा सकता है? तुम्हें बस पैर को ठीक से निचोड़ने और हड्डी को बाहर निकालने और फिर इसे जल्दी से खाने की जरूरत है। वाह, कूल लाइफ हैक। यह अफसोस की बात है कि मैं इसे केवल एक पीस पर दिखा सकती हूँ। टीना, तुम्हारे लाइफ हैक के बिना भी इसे खाना बहुत सुविधाजनक है। जरूरी बात भूख है, इसके बिना इसका कोई फायदा नहीं है। वाह, तुम्हें उस चिकन को खाते हुए अपना चेहरा देखना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें पसंद नहीं है? क्या मैं बहुत गंदे से खा रही हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी स्कर्ट से साफ कर लेती हूँ। ओह, तो ये बात है। फिर तुम्हें ब्रेड क्रम्ब और चिकन के तेल से बना हेयर मास्क मिलेगा। टीना, ये सही नहीं है। बस करो, मेरा सर घूम रहा है। अंत में मैं अपने पसंदीदा चिकन के मजे ले सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, एक और। हाँ, और इसके अलावा मुझे एक अलग तरीके से चिकन खाने से कौन रोकेगा? ये सबसे पुराना तरीका है। ओह, मुझे लगता है मैंने ओवर रिएक्ट किया। मैं अभी साधारण चिकन के स्वाद से तंग आ गई हूँ, तो अब इसे कुछ खास बनाने का समय है। मैं इस पे चॉकलेट सॉस डालती हूँ। लड़कियों, क्या तुम जानती हो कि कितना स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है, चॉकलेट और चिकन? यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। हाँ, यह कैलोरी में भी उतना ही ज्यादा है। मॉली, तुम हॉट सॉस के साथ चिकन खाना पसंद करोगी? चलो ट्राई करती हूँ। यह इतना गर्म क्यों है? क्या सरप्राइज, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे देखो, मैं कितनी भयानक लग रही हूँ। हाँ, तुम डरावनी लग रही हो और ये बहुत मजेदार है। मुझे कितनी खुशी है कि मुझे इतनी छोटी मछली मिली और ये प्यारी भी है। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हो सकती, मेरा देखो बड़ी है। क्या तुमने उस विशालकाय को देखा है जो मुझे मिला है? मैं पक्का इसे नहीं खाऊंगी। मॉली, तुम सबसे लकी हो, तो कम से कम तुम इसे सबसे पहले खाओ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक पोर्टेबल किचन है जो इधर कहीं पड़ी है, मुझे अब इसकी जरूरत होगी। किचन? लेकिन क्यों? क्योंकि एक छोटी मछली को एक छोटे नल के नीचे धोना पड़ता है। उसके बाद हमें आग पर एक छोटा फ्राइंग पैन गरम करना होगा और उसमें तेल डालना होगा। अब हम इस मछली को फ्राई कर सकते हैं। ओ वाह, हाँ, माइक्रो कुकिंग का मतलब यही है। सही उपकरणों के साथ छोटी मछली खाना जरूरी है। एक कांटा और एक चाकू उनकी मदद से मेरे हाथ गंदे भी नहीं होंगे। हालांकि ऐसे छोटे उपकरणों का उपयोग करना मुश्किल है, जाहिर है मुझे अपने हाथों का उपयोग करना होगा। मुझे मछली पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने में कामयाब रही। तुमने स्वादिष्ट कहा। मैं इस मछली को कैसे भूनूंगी? ओ हाँ, यहाँ सूरज है और मेरे पास अलग अलग तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास है। मुझे इस बार एक बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होगी। ओह, यह मछली को भूनने का एक ओरिजिनल तरीका है। ओरिजिनल और बहुत स्वादिष्ट।
वाह, अद्भुत खुशबू आ रही है और आग पर भुने की तरह स्वाद भी है। मैरी, मछली को खाने की तुम्हारी बारी है। यह किस तरह की मछली है? ओह, यह पूरी मछली है, लेकिन ऐसी मछली को भी पकाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए उपयुक्त फ्राइंग पैन ढूंढना मुश्किल है। क्या करें? हाँ बिल्कुल, मेरे पास हमेशा एक डॉक्टर का सूट होता है और एक डिफिब्रिलेटर भी है। और यह झटका, फिर से, और यह। ओह, यह क्या हो रहा है? यह सब कुछ जला दोगी। डरो मत, मैंने सिर्फ खुद के लिए एक स्वादिष्ट मछली पकाया है और यह इसके अद्भुत स्वाद का मजा लेने का समय है। मुझे नहीं लगता था कि मैं यह कहूंगी, लेकिन मुझे मैरी से जलन हो रही है। यहाँ से हट जाओ। यह सोचो भी मत कि मैं तुम्हारे साथ मछली शेयर करूंगी, वह मेरी है। छी, मैं चिकन अंडे बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन यह अच्छा है कि मेरे पास एक छोटा अंडा है और मेरे पास एक बड़ा और बेकार अंडा है। लड़कियों, लेकिन मैं शुरू करूंगी। मैं एक बार में अपना अंडा खाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें इसे चबाने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं नहीं नहीं, ओह कितना घिनौना, मैंने कभी इसे खराब कुछ भी नहीं खाया है। ओह लड़कियों, तैयार हो जाओ, कुछ भयानक तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। मैं अब तैयार हूँ, सबसे खराब के लिए तैयार, लेकिन पहले मुझे इस अंडे को तोड़ने की जरूरत है। मेरे पास एक हथौड़ा भी है। ओह, चोट लग गई। खैर कोई बात नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बेकार अंडे को नहीं तोड़ सकती? मेरे पास एक बड़ा हथौड़ा है, यह तुम लाओ और यह लो। वाह, यह अंडा पहली नजर में जितना लग रहा है उसे कहीं अधिक मजबूत है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ कि इसे कैसे तोड़ना है। ओ, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? आ, ओ, यह फर्श पर एक साधारण चोट से टूट गया। सबसे अजीब अंडा है, पर फिर भी तुम्हें इसे खाना होगा। मुझे नहीं लगता था कि मेरे दोस्त इतने बुरे होंगे, लेकिन अगर यह करना है तो करना है। छी, और वो भी फर्श पर से, घिनौना। हो गया, मैंने काफी खा लिया। टीना, तुम्हारी बारी है। मुझे उम्मीद है कि मेरा अंडा मुट्ठी से टूट जाएगा। यहाँ कोई वास्तव में रहता है? ओह, यह एक ड्रैगन है। कितना प्यारा है, कितना बढ़िया से डांस कर रहा है वह। यह अद्भुत है, प्यारा। आ, वो हम सभी को यहाँ जला देगा। बाय बाय स्वीटहार्ट, हम आपको याद करेंगे। और यही टीना को चाहिए। ओह हाँ, मुझे हैप्पी मिल्स बहुत पसंद है। मुझे भी, लेकिन मुझे सबसे छोटा मिला। लेकिन मेरा तो विशाल है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने भी नहीं। खैर, मुझे अपना छोटा बॉक्स खोलना होगा, शायद उसके अंदर कुछ बहुत कीमती है। यह पता करने के लिए मुझे ट्वीज़र की जरूरत होगी। वाह, यहाँ एक बर्गर और फ्राइज है। सच है कि यह गमी है। मेरे पास एक छोटा खिलौना भी है, कितना सुंदर है। हालांकि मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना पक्का काम नहीं चलेगा, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं देख पा रही हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ। मैरी, बात करना बंद करो और खाने को देखो, इसे खाना चाहिए। आसान है, मुझे लगता है मेरे लिए इस बच्चे को खाना मुश्किल नहीं होगा। और मैं इस किटी के साथ खेलने जा रही हूँ। कितना बढ़िया बर्गर था और फ्रेंच फ्राइज। और इस किटी को देखो, इसे अपनी उंगली पर भी रख सकते हैं, है ना यह अच्छा? आखिरकार अब मैं भी यह पता लगाऊंगी कि हैप्पी मिल के अंदर क्या है। वाह, एक बड़ा फ्राइज, एक पॉपिच और एक बर्गर है। सब कुछ वैसा ही है जैसा मुझे पसंद है। अब मैं खा भी सकती हूँ और खेल भी सकती हूँ, एकदम सही। ओह, क्या तुम कम से कम मुझे एक कटलेट का बाइट दे सकती हो प्लीज? नहीं, अपने हाथ हटाओ। ओह, तुम ऐसे क्यों काट रही हो? लेकिन तुम मुझसे बचोगी नहीं,
मैं तुम्हारे सर पर ये डाल देती हूँ। कितना स्वादिष्ट, तुम कितनी अच्छी हो। शुक्रिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने सब कुछ खा लिया, भूखकर मेरे पास केवल टुकड़े बचे हैं। उफ, खैर अब जितना भी बचा है उतना खा लेती हूँ। दोस्तों अब मेरी बारी है इसे चखने का कि यह कैसा है। और देखो यह कितना बड़ा है, और एक गिफ्ट भी है। वाह, चलो खाने से शुरू करते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। एक सेकंड, मुझे अपने कराटे लुक में आने दो, मैं इसके साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ। हैया, और फ्रेंच फ्राइज के साथ, वाह यह तो कमाल का है। मैं इसे भी खा लूंगी और यह भी। वाह टीना, तुम सबसे लकी हो। मुझे पता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अब इस बड़े से बर्गर को काटने के लिए एक असली तलवार की जरूरत है। ध्यान से, ये सब्जियां मुझे मेरी कुर्सी से गिरा देंगी। डरो मत, सब कुछ तैयार है, अब समय आ गया है इसकी मजे लेने का। क्या मुझे एक टुकड़ा दे सकती हो प्लीज? Okay. हाँ ले लो, मैं लालची नहीं हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू यार। कोई बात नहीं दोस्ती में, नो थैंक यू मैरी। मल्टी डू चैलेंज को सब्सक्राइब करें, फिर आप पक्का ऐसे ही मजेदार वीडियो को मिस नहीं करेंगे। हमारे हीरोज हमेशा आपको हंसाते रहेंगे। जल्दी फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय।